एंड इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सैम्पल पेपर जो हम आईपी के लिए कर रहे थे. सो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो कि इस प्लेलिस्ट में है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. सो आई हैव अ बैड थ्रोट एंड अ ब्लॉक्ड नोज. दैट्स व्हाई मैं पिछले 1-2 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी. नॉट वेल, सो प्लीज बेयर विद माय वॉइस. ओके, so let's start with the paper. It says, A part says, write any one similarity and one difference between primary key and unique constraint. So 2 marks ka question hai. Aapko ek similarity batani hai primary key and unique mein aur ek difference batana hai. Kaafi common question hai, ye bahut baar aata hai. It's a repeated question in the exam. So bahut baar aa rakha hai already. Primary key aur unique mein difference pooch lete hai ya primary key aur not null mein pooch lete hai. तो सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं हो सकती. सो यू कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू इन प्राइमरी की और डुप्लीकेट आप एंटर नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ योर द सेकंड वन व्हिच इज यूनिक. सो प्राइमरी की एंड यूनिक बोथ कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज. सो दिस इज द सिमिलैरिटी, उनमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दे सकते हो. सो दिस इज सिमिलैरिटी. देन उसके बाद पूछा है एक डिफरेंस बताना है. डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की को मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं यूनिक को ब्लैंक छोड़ सकती हूँ. सो प्राइमरी की कांट बी लेफ्ट ब्लैंक क्योंकि वो प्राइमरी की है और प्राइमरी की कंडीशन ही यही होती है कि वो यूनिक और नॉट नल होता है. सो प्राइमरी की कांट बी लेफ्ट ब्लैंक वेयर एज unique can be left blank. So उन्होंने तो एक ही डिफरेंस पूछा है, पर आप एक और डिफरेंस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन यूनिक हम मल्टीपल कॉलम्स के साथ यूज कर सकते हैं. सो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड ओनली वंस फॉर अ टेबल बट यूनिक कैन बी यूज्ड more than once. So आप फोन नंबर को भी यूनिक बना सकते हो, आप ईमेल को भी यूनिक बना सकते हो, लेकिन प्राइमरी की नहीं बना सकते. प्राइमरी की हम किसी एक चीज को बनाएंगे जो भी हमारे टेबल की एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. ओके, सो दैट्स योर आंसर फॉर ए पार्ट. देन कम्स बी. मिस परी, अ बिगिनर इन SQL, इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैंसलिंग अ ट्रांजैक्शन. हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द सेम. Also mention suitable command for it. So transaction क्या होती है, जहाँ पे आपके पास काफी सारी SQL commands हम use करते हैं. So transaction is a set of SQL commands. And cancelling, अगर आप उसको cancel कर रहे हो तो cancelling का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितनी भी commands हैं उनमें से किसी का भी effect database पे नहीं होना चाहिए. तो अगर मेरे पास एक ट्रांजेक्शन में 5 कमांड्स थी जिसमें से पहली 2 चल चुकी है, एक इंसर्ट कमांड है, एक डिलीट है, वो चल चुकी है, बट अगली 3 रहती है एंड आई वांट टू कैंसिल द ट्रांजेक्शन, तो जो 2 चल चुकी है उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब उनका इफेक्ट डेटाबेस पे नहीं दिखना चाहिए. और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल बैक. सो ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ SQL कमांड्स एंड कैंसलिंग अ ट्रांजेक्शन मीन्स cancelling the changes made by every single command in the transaction. So every single command in the transaction has to be cancelled out. This is done with the help of rollback command. So this is done with the help of rollback command. So जब आप rollback command लिखोगे, जब आप rollback लिखोगे, तो जितनी भी statements आपने start transaction के बाद लिखी होंगी, वो सारी cancel हो जाएंगी. Excuse me. That उसका कोई भी effect database पे नहीं होगा. Okay. Then consider the following tables, table library given below. 4 mark का question है, table दिया हुआ है और उसके basis पे 4 questions दिए हुए हैं. लाइब्रेरी में बुक आईडी है, बुक का नाम है, ऑथर है, प्राइस है, मेंबर नेम है, इश्यू डेट है और स्टेटस है. सो हमेशा क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आप टेबल एनालाइज कर लो कि टेबल में क्या क्या गिवन है.
फिर आपके पास पहला क्वेश्चन है सजेस्ट द सुटेबल डेटा टाइप फॉर इश्यू डेट कॉलम. सो ऑब्वियसली जहां पे भी डेट की बात आएगी तो डेटा टाइप वहां पे डेट होना चाहिए. सो इसका पहला जो आंसर होगा वो होगा डेट. सो द डेटा टाइप फॉर द डेट कॉलम शुड बी डेट. देन आपसे पूछा गया है सेकेंड में सजेस्ट द सुटेबल एसक्यूएल कमांड टू चेंज द साइज ऑफ कॉलम नेम. कॉलम नेम दैट इज ये जो कॉलम है नेम नाम का फ्रॉम 30 कैरेक्टर्स टू 50 कैरेक्टर्स. सो यहाँ पर आपको क्या करना है टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है. तो जब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना होता है तो जो कमांड हम यूज करते हैं दैट इज ऑल्टर टेबल. लेकिन जब आपको टेबल के डेटा में चेंज करना होता है तो अपडेट होती है. बट यहाँ पे आप ऑल्टर टेबल यूज करोगे. ऑल्टर टेबल कौन सा टेबल ऑल्टर कर रहे हैं हम लाइब्रेरी. फिर हम लिखेंगे मॉडिफाई क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं नए कॉलम को ऐड नहीं कर रहे हैं. सो मॉडिफाई नेम द डेटा टाइप शुड बी varchar और जो साइज है वो हमें यहाँ पर अब देना है 50 ताकि उसका साइज चेंज होकर 50 हो जाए इंस्टेड ऑफ 30. तो यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट्स में 50 लिखोगे. माय कीपैड इज नॉट वर्किंग फॉर द राउंड ब्रैकेट्स बट यू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू राइट दिस यू मस्ट पुट दिस इन द राउंड ब्रैकेट्स. ओके सो varchar इन द राउंड ब्रैकेट्स 50 एंड देन यू हैव टू गिव द सेमीकॉलन. ओके सो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ BID column in table library. BID should be the primary key in this. So BID should be primary key in the table library since it's being used to identify each book and has unique values. So book ID जो है आपका वो primary key की तरह use हो सकता है. That's the answer for third. Then fourth question है suggest the suitable command to display a list of the books in a sequence so that first all the books name should be displayed which has not been returned and after that all the book names which has been returned should be displayed. So it should first display returned and not returned. So हमारे पास देखो ये बहुत tricky question है क्योंकि इसमें return date तो है नहीं कि हम return date के accordingly sort कर लेंगे. यहाँ पे status है. Status में दो values है returned और not returned. हमें पहले वो दिखाने हैं जो returned है जो पहले not returned है और फिर दिखाने हैं जो returned है. तो in a way आपको sort करना है as per status. तो अब आप ये देखोगे कि पहले n आता है या पहले R आता है क्योंकि रिटर्न और नॉट रिटर्न को सॉर्ट करना है. सो एल एम एन ओ पी क्यू आर. सो एन पहले आता है आर बाद में आता है. सो मुझे नॉट रिटर्न पहले दिखाना है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. सो आपको शो क्या करना है सिर्फ नेम ऑफ द बुक. सो यू विल राइट सेलेक्ट नेम फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर. नो वी डोंट नीड वेयर. सारी की सारी बुक्स दिखानी है. सजेस्ट दिस टेबल कमांड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ बुक्स. सो सेलेक्ट नेम फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर की जरूरत नहीं है. वी विल जस्ट राइट ऑर्डर बाय स्टेटस. और आपको असेंडिंग डिसेंडिंग भी नहीं लिखना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है. तो जब वो असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा तो एन की वैल्यू जो है इसका वैल्यू वो आर से छोटी है इसलिए नॉट रिटर्न्ड वाले पहले आएंगे और रिटर्न्ड वाले उसके बाद आएंगे. एंड दिस इज व्हाट दे आस्क इन द क्वेश्चन. सो इस तरह से आप क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सकते हो. देन है क्वेश्चन डी फॉर 2 मार्क्स. ऋषि अ क्लास 12 स्टूडेंट हैज गिवन फॉलोइंग कमांड्स फॉर द गिवन पर्पसेस दैट इज टू ऐड अ न्यू कॉलम रेटिंग. So he wrote update table library add column rating varchar 20. To give an increase of 50 rupees, he wrote this alter. Check if the above given SQL commands will be able to achieve the desired task or not. So obviously not. Justify your answer. Suggest the corrections if required. So usne galat kiya hai kyunki jahan par alter table use karna chahiye wahan pe use kiya gaya hai update. Aur jahan pe update use karna chahiye wahan pe use kiya gaya hai alter table. So first mein likhenge it is wrong. Since to modify the structure of table, alter table command should be used. So we have to write the correct command for the same. So is correct command ke liye, I just copy this command from here. एंड ये गलत कमांड है. अब ये गलत कमांड को ठीक करना है. सो इट शुड नॉट बी अपडेट इट शुड बी
alter. So correct command होनी चाहिए alter table library add column. Column का नाम क्या है rating और column word भी नहीं लिखना होता, सिर्फ add लिखना है. Add rating varchar 20. So that's your answer. Then question 2 है to give an increase of 50 rupees. मुझे data change करना है तो update command use होनी चाहिए. So it is wrong. We should use update to modify data in the table. So ये जो command है आपकी, इसमें alter table नहीं होगा, update होगा. So alter की जगह पर हमें update लिखना है. Rest of the command is fine. So आप लिखोगे update library set price is equal to price plus 50. This will increase the price by 50 for all the books in the library. So that is how we use basic SQL commands to work with. So question number 5 hai, usme basic SQL commands pe hi question aata hai. Aur question number 6 mein hum karenge joins kaise use hote hain. That means kaise aap do tables ko aapas mein link karte hain. So that's all for this video. I hope you understood the basic queries. If yes, do click the like button, share the video, and do subscribe the channel for more videos on class 12th IP course. So that's it for this video. I'll be uploading more. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.